हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स रोजेस फॉर्म। मतलब कौन कौन से फैक्ट हैं, जो फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं जो कि डोजेस फॉर्म के अंदर है। तो इसके लिए आपके बेसिकली हमारे दो फैक्टर्स होते हैं जो बेस मेन फैक्टर हैं। एक है फार्मास्यूटिकल फैक्टर और एक है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक है आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस, एक है डोजेस फॉर्म कैरेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या जिसको आप फार्माकोटेक्निकल फैक्टर भी बोलते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल के अंदर जो फिजियोकेमिकल है इसके अंदर भी आपके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जो डोजेस फॉर्म वाला है या फार्माकोटेक्निकल है उसके अंदर भी आपके 6 फैक्टर्स आते हैं। पेशेंट रिलेटेड के अंदर भी आपके 7-8 फैक्टर्स आते हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक फैक्टर्स के बारे में जानना है कि अगर ये फैक्टर हमारी बॉडी में हो रहा है तो हमारी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगी कि घटेगी। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स की बात करें, पहला वाला जो था फार्मास्यूटिकल्स में, पहला आपका क्या था, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो पहला था वो था ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट। ठीक, अगर बाय चांस सपोज मानो आप कि कोई भी ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, तो उसकी क्या होगी, वाटर या एक्वा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे आपको डायग्राम हम दिखा रहे हैं कि कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म था, कोई हमने टैबलेट इनटेक करी, उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन हुआ, तो वो ड्रग्स जो था सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स बना लिया उसने, तब वो डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व होने के बाद, डिसॉल्व मतलब घुले घुलेगी, घुलने के बाद वो एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेगी। एब्जॉर्प्शन साइट में पहुंचने के बाद उसकी परमेशन होगा, तब वो जाके बॉडी के अंदर पहुंचेगी। ये आपकी क्या है, नॉर्मल प्रोसेस चलती है। अब अगर सॉल्युबिलिटी हमें पता करनी है या जो चीज करनी है, तो आपका एक आता है BCS क्लासिफिकेशन। BCS क्लासिफिकेशन क्या है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ड्रग। BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, आप ड्रग को 4 भाग में डिवाइड किया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी अगर हाई है, परमेबिलिटी हाई है, तो एब्जॉर्प्शन बढ़िया से होगा, और जो रेट लिमिटेड स्टेप्स है वो है गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, और जो आपकी ड्रग है जो ये एक्शन शो करेंगी दैट इज डिल्टिज्म। डिल्टिज्म इसका एग्जाम्पल है। दूसरा क्लास क्या है, सेकेंड क्लास है कि सॉल्युबिलिटी कम है, परमेबिलिटी ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न वेरी कर रहा है, मतलब चेंज होता जा रहा है, और रेट लिमिटेड स्टेप आपका डिसोल्यूशन है इस केस में, और जो दवा ऐसा शो करती है वो निफिडिपिन ड्रग आपका क्या करती है, क्लास 2 शो करती है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, आपका सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, परमेबिलिटी बहुत कम है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न वेरी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, और जो रेट लिमिटेड स्टेप्स है वो क्या है, परमेबिलिटी है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन। चौथा क्या है आपका, जो चौथा क्लास है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी भी कम है, परमेबिलिटी भी कम है, एब्जॉर्प्शन एकदम बेकार है, पुअरली एब्जॉर्प्शन है, और जो रेट लिमिटेड स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन का वो केस बाय केस है, मतलब हर केस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। और आपकी जो ड्रग ये शो करती है डायटिक्स ट्रैक्सोल, ट्रैक्सोल ड्रग क्या करती है, इस टाइप का पैटर्न या क्लास शो करती है। अब ये तो चलो सॉल्युबिलिटी की बात करी हमने BCS क्लासिफिकेशन, अब बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन रेट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गोज इनटू सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग या जो सॉलिड है वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। डिसोल्यूशन रेट क्या है, डिसोल्यूशन रेट आपका ये है कि पर यूनिट टाइम में कितना आपका अमाउंट ऑफ ड्रग है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसे ही आप डिसोल्यूशन रेट बोलेंगे। डिसोल्यूशन रेट को निकालने के लिए हमने क्या किया, नोवेज विटने इक्वेशन दी। नोवेज विटने इक्वेशन क्या करता है, डिसोल्यूशन रेट को निकालता है। तो नोवेज विटने इक्वेशन क्या है, डीसी बाई डीटी बराबर के सी एस माइनस बी। डीसी बाई डीटी डिसोल्यूशन रेट है, के आपका डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट है, सी एस माइनस बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज सी एस माइनस बी सी बी। नोवेज विटने इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन है जो क्या करती है, डिसोल्यूशन रेट को बताती है, उसे हम नर्स्ट एंड बर्नर इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन क्या है, डीसी बाई डीटी बराबर के ए डी ए के ब्रैकेट में सी एस माइनस सी बी अपॉन वी एच।
यहाँ पे क्या है, डी आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ए सरफेस एरिया है, के पार्टीशन कोफिशिएंट है, सी एस माइनस सी बी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वी थिकनेस है, और एच आपकी क्या है, थिकनेस, वी आपकी जो थिकनेस है लाइन की, स्टेगनेंट लाइन की, और एच आपकी क्या है, थिकनेस है नॉर्मल। ये आपकी दो इक्वेशंस हमने बताई डिसोल्यूशन रेट को निकालने के लिए, हमने आपको दो इक्वेशंस यहाँ पे बताई हैं। अब ये तो पहला हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा जो फैक्टर है उसे बोलते हो पार्टिकल साइज या इफेक्टिव सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज या सरफेस एरिया। तो अगर पार्टिकल साइज और जो सरफेस एरिया होता है वो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब पार्टिकल साइज बढ़ाओगे सरफेस एरिया घटेगा, पार्टिकल साइज कम करोगे सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो अगर हम अच्छा एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो हमारे क्या होंगे, पार्टिकल साइज हमें एकदम कम करना है, स्मॉलर पार्टिकल साइज रखेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। अगर हम अच्छा एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो पार्टिकल साइज छोटा रखिए, सरफेस एरिया ज़्यादा रखिए, तभी आपका एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो पाएगा। अब तीसरा फैक्टर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एमॉर्फिज्म क्या होता है, जब कोई आपका सब्सटेंस है या कोई प्रोडक्ट है वो मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक क्रिस्टल से ज़्यादा क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहा है, तो उसको हमने क्या किया, डिफाइन करने के लिए डिज़ाइन किया पॉलीमॉर्फ या पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, इसको आप पॉलीमॉर्फ बोलोगे, और ये पूरी प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो हमारा ये देखा जाता है कि पॉलीमॉर्फ जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक एनिसोट्रॉपिक होता है, एक मोनोट्रॉपिक होता है। फिर लास्ट में आपको नीचे देख रहे हो आप एक इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कंपाउंड का, कि कंपाउंड अगर कोई भी है तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो वो क्रिस्टल बनाएगा या तो नॉन क्रिस्टलाइन होगा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो क्रिस्टल बनाएगा या तो नहीं बनाएगा। अगर क्रिस्टल बना रहा है तो वो दो टाइप के होंगे, या तो पॉलीमॉर्फ होंगे या तो मॉलिक्यूलर एडिक्शंस होंगे। पॉलीमॉर्फ मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो अगर डिफरेंट डिफरेंट बना रहा है मॉर्फ, तो उसमें एनिसोट्रॉपिक होता है, मोनोट्रॉपिक होता है। मॉलिक्यूलर एडिक्शन आपके दो टाइप के हैं, नॉन स्टीरियोमेट्रिक और स्टीरियोमेट्रिक। स्टीरियोमेट्रिक का मतलब होता है सीडो पॉलीमॉर्फ, और सीडो पॉलीमॉर्फ आपके दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और हाइड्रेट्स। ये हमने आपको एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है, जो कंपाउंड इंटरनली काम करता है उसका हमने एक डायग्राम टाइप के आपको बताया है। ये हो गया तीसरा फैक्टर। अब चौथे फैक्टर पे आते हो, चौथा फैक्टर हमारा क्या है, सीडो पॉलीमॉर्फिज्म। सीडो पॉलीमॉर्फिज्म या इसको हम हाइड्रेट या सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है सीडो पॉलीमॉर्फिज्म, कि मान लीजिए कोई भी सॉलेंट, हम क्या करते हैं इस केस में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट मतलब जो घुला, सॉल्वेंट जानते हैं, सॉल्वेंट मतलब जिस चीज़ में कोई भी चीज़ घुलती है, उस मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉलिड जो है उसके क्रिस्टल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉलिड लैटिस है, सॉलिड कोई भी है, NaCl की मान लो लैटिस है, उसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सॉल्वेट्स बोलते हैं, मतलब सॉल्वेंट को हमने सॉलिड के अंदर इनकॉर्पोरेशन कराया, इस चीज़ को सॉल्वेट बोलते हो। और ये जो सॉल्वेट है अगर डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस में मिल रहा है, मतलब ये जो सॉल्वेट हमने बनाया ऊपर वाला, ये अगर डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होगा तो इसे आप सीडो पॉलीमॉर्फ बोलोगे, और इस पूरे फिनोमेना को सीडो पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ये क्या है, सीडो पॉलीमॉर्फिज्म। तो सीडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। पांचवा अब हम बात करेंगे फैक्टर, तो सॉल्ट फॉर्म ऑफ अ ड्रग। ड्रग अगर सॉल्ट फॉर्म में होगी तो क्या होगा, और मतलब हमें ड्रग का सॉल्ट फॉर्म बनाना है। मोस्टली हम ये देखते हैं, जनरल बात करें कि जो ड्रग्स होती हैं या तो वीक एसिड होंगी या तो वीक बेस होंगी। तो अगर हम चाहते हैं उसकी सॉलिबिलिटी या डिसोल्यूशन बढ़ाना, तो हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग को सॉल्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, जनरली ये देखा गया है कि वीक ड्रग जो होती हैं या वीक एसिडिक जो दवा होती हैं, एसिडिक दवा जो होती हैं, उनका हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाते हैं, और वीक बेसिक दवा जो होती हैं उनका हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं। कहने का मतलब, दवा को खाली एसिड या बेस के फॉर्म में ना यूज़ करके हम उसकी सॉल्ट फॉर्मुलेशन बनाते हैं। सॉल्ट मतलब उसका सॉल्ट फॉर्म बनाओगे, क्यों बनाया जाता है, डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं।
ये हो गया सॉल्ट फॉर्म। सॉल्ट फॉर्म के बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रग PKA एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल PH। इसका मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी के अंदर है उसको हम क्या कर रहे हैं, PKA वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब PKA डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं आपकी ड्रग का एब्जॉर्प्शन साइट पे। ड्रग का PH या PKA वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं बॉडी के अंदर। तो सपोज अगर वीक एसिड है उस केस में क्या फॉर्मूला लगता है, PH बराबर PKA प्लस लॉग आयनाइज अपॉन अनायनाइज। और अगर मान लीजिए एक वीक एसिड बेसिक ड्रग है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, PH बराबर PKA प्लस लॉग अनआयनाइज अपॉन आयनाइज ड्रग। ये आपका फॉर्मूला लगेगा ड्रग PKA वैल्यू निकालने के लिए। ओके उसके बाद अब नेक्स्ट फैक्टर आता है लिपोफिलिसिटी एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन। लिपोफिलिसिटी और ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो लिपोफिलिसिटी को निकालने के लिए क्या होता है, HLB स्केल यूज की जाती है। HLB का फुल फॉर्म हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ये क्या बताता है आपकी शुड बी देयर फॉर स्ट्रक्चरल ऑफ, मतलब ड्रग का क्या नेचर है, उसकी क्या कंपैटिबिलिटी, हाइड्रोफिलिसिटी क्या है, इस चीज को पता करने के लिए हम यूज करते हैं। और ऑप्टिमम बायबिलिटी के केस में भी हम ये चीज स्केल यूज की जाती है। लिपोफिलिसिटी निकालने के लिए लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग पी वैल्यू निकालते हैं। लिपोफिलिसिटी सॉल्युबिलिटी अगर ड्रग की निकालना चाहते हैं तो लॉग पी वैल्यू निकाली जाती है। तो अगर बाई चांस एसिडिक दवा है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग डी बराबर लॉग पी माइनस लॉग ब्रैकेट में 1+10 pH माइनस PKA। ये अगर एसिडिक ड्रग है तो ये फॉर्मूला लगेगा लॉग पी की वैल्यू निकालने के लिए। और बाई चांस अगर बेसिक ड्रग है तो क्या होगा, लॉग डी बराबर लॉग बी माइनस लॉग 1+10 PKA माइनस PH हो जाएगा, उल्टा हो गया, बस ऊपर वाले में यहाँ पे PKA माइनस PH हो गया। तो ये क्या है, हमें क्या करना था, लिपोफिलिसिटी या लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की निकालनी थी, तो हमने ये फॉर्मूले यूज किए। अब नेक्स्ट लास्ट है आपका ड्रग की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ड्रग की स्टेबिलिटी एक होती है कि अगर एक ड्रग है फॉर ओरल यूज, अगर हम कोई ड्रग है उसको ओरली यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हो सकता है कि उसकी शेल्फ लाइफ डिसेबल हो जाए, डिस्टेबलाइज हो जाए, हो सकता है ना उसकी स्टेबिलिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर भाई ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन पैटर्न घट नहीं जाएगा आपका। तो उस पुअर जो स्टेबिलिटी है इसके कारण क्या क्या है, मतलब अगर बाई चांस ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी मतलब कम हो जाएगी तो हो सकता है बायबिलिटी भी कम हो जाए उसकी, बायबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो ड्रग डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और चीज़ों से इंटरेक्शन हो जाएगा, मोर देन वन कंपाउंड इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये सब क्या करेगा, ओवरऑल आपकी ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है उसको घटा देगा। ड्रग अगर जो भी यूज़ की जा रही है अगर बाई चांस वो उसको अच्छे से हमने नहीं रखा, अच्छे कंटेनर में जिस तरीके से हमें उसको रखना चाहिए था हम नहीं रख पाए प्रॉपरली, उसकी वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब अच्छे से फिक्स नहीं कर पाए तो ड्रग क्या होगी आपकी डिस्टेबलाइज हो सकती है, डिस्टेबलाइज हो जाएगी तो उसकी बायबिलिटी कम हो जाएगी, डिग्रेडेट आउट हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन करके कुछ अलग ही कंपाउंड बना लेगी। तो ये सब क्या करेगा, हमारे एट लास्ट हमारे एब्जॉर्प्शन पैटर्न को घटा देगा। लास्ट पैटर्न आपका जो है वो है स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ ड्रग। ड्रग का स्टीरियोकेमिकल नेचर क्या है, तो हमने ये देखा है कि बाय चांस जो काइरल ड्रग्स होती हैं उनमें देखा गया है कि 60% ड्रग करेंटली यूज की जा रही है जो काइरल ड्रग्स हैं, मतलब चारों साइड फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। और मार्केट में जो मोस्टली आती हैं दैट आर रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर हम मोस्टली देखते हैं। इनेंशियोमर्स जो होते हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में आइडेंटिकल होते हैं, उसमें कोई भी स्पेरिकल कॉन्फिगरेशन नहीं होता। तो कहने का मतलब अगर हम इनेंशियोमर ड्रग्स यूज कर रहे हैं, रेसिमेट यूज कर रहे हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन पैटर्न ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टीरोकेमिकल नेचर। अदर के कंपेरेटिव अगर हम ये फॉर्मुलेशन यूज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन पैटर्न हमारा ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये सब जितने भी थे आपको बताए, ये सब हमने क्या बताया आपको, फैक्टर्स बताए हैं एब्जॉर्प्शन के, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के जो फैक्टर थे वो बताए। अब फार्मास्यूटिकल में दूसरा फैक्टर था डोजेस फॉर्म वाला, जिसे आप फार्माको टेक्निकल फैक्टर बोल रहे थे। फार्माको टेक्निकल का पहला है डिसइंटीग्रेशन टाइम, जिसे आप DT बोलते हो, डिसइंटीग्रेशन टाइम। ये बहुत जरूरी होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, जैसे टैबलेट या कैप्सूल है उसमें DT की वैल्यू पता करना बहुत जरूरी है। अगर बाय चांस कोई कोटेड टैबलेट है या शुगर कोटेड, कोई भी कोटेड टैबलेट है, उस केस में डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा लगता है। और अगर हम अच्छा एब्जॉर्प्शन पैटर्न चाहते हैं तो हमें डिसइंटीग्रेशन जल्दी करना है।
अगर हमें अच्छा डिसोल्यूशन एब्जॉर्प्शन चाहिए ड्रग का, तो डिसइंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। इसीलिए जो डीटी होता है टैबलेट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ बाइंडर। जितना ज़्यादा आप बाइंडर यूज़ करोगे टैबलेट के लिए, उतना ज़्यादा डीटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लेगा। भाई बाइंडर ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई टैबलेट ज़्यादा हार्ड बनेगी, ज़्यादा हार्ड बनेगी तो जल्दी नहीं टूटेगी, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डीटी की वैल्यू डिपेंड करती है कितना हम बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर बाय चांस कोई हार्ड टैबलेट है तो उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ बाइंडर यूज़ करते हैं और उसका जो डीटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम एब्जॉर्प्शन अच्छा चाहते हैं ड्रग का, तो बाइंडर को हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट में यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा बाइंडर नहीं यूज़ करना। अगर आप बहुत ज़्यादा बाइंडर यूज़ करोगे टैबलेट हार्ड बनेगी, तो डीटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ये टूटने में ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्सीपिएंट। जो भी हम अपने डोजेस फॉर्म में एक्सीपिएंट यूज़ कर रहे हैं या जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन फैक्टर, उनकी बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो भी एक्सीपिएंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी क्यों ऐड किए जाते हैं, भाई स्टेबिलिटी के, फिजिकोकेमिकल स्टेबल होने चाहिए जो भी हम एक्सीपिएंट यूज़ कर रहे हैं, शेल्फ लाइफ के टाइम पे, कंपोजिशन, डोजेस, इन सब के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, एकदम बढ़िया होने चाहिए। तो अब कौन कौन से हमारे एक्सीपिएंट हैं जो हम यूज़ करते हैं जो डोजेस फॉर्म में, तो इसमें बहुत सारे एक्सीपिएंट हैं, तो हम सारे एक्सीपिएंट के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। तो पहला मान लीजिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं। व्हीकल मतलब सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भाई बहुत ज़रूरी होता है हमारा कोई भी प्रिपरेशन के लिए, सॉल्वेंट तो चाहिए, घोलने के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है, लिक्विड हो चाहे पेरेंटल हो, किसी के केस में होना चाहिए। तो हमारे व्हीकल तीन टाइप्स के होते हैं, एक एक्वस व्हीकल, नॉन एक्वस वाटर मिसबल व्हीकल और नॉन एक्वस वाटर इमिसबल व्हीकल। ये आपके तीन टाइप के व्हीकल्स हमने बताए। तो इसमें जो पहले वाला, दूसरा वाला जो है एक्वस व्हीकल और नॉन एक्वस वाटर मिसबल व्हीकल, ये जो दो व्हीकल होते हैं, अगर हम अपने फॉर्मुलेशन में ये दो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, दोनों में से या कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज होगा। अगर हम एक्वस या नॉन एक्वस वाटर मिसबल यूज़ करेंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तेज होगा। अगर लास्ट वाला यूज़ करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। दूसरा है डाइल्यूएंट या फिलर जिसे बोलते हो। तो डाइल्यूएंट एडिट किए जाते हैं फॉर्मुलेशंस में, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक डाइल्यूएंट और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वाले हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनऑर्गेनिक वाले हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है, इनऑर्गेनिक वालों का एब्जॉर्प्शन बेकार होता है। तो हमें डाइल्यूएंट कैसे यूज़ करने हैं, ऑर्गेनिक डाइल्यूएंट का हमें यूज़ करना है। तीसरा है बाइंडर या ग्रैनुलेटिंग एजेंट। जो बाइंडर या ग्रैनुलेटिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रैन्यूल्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं, या ग्रैन्यूल्स बनाने में जो भी है यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ये सब आपके क्या है, बाइंडर या ग्रैनुलेटिंग एजेंट है। तो जितना ज़्यादा बाइंडर आप यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा हार्डनेस बढ़ेगी, उतना आपका डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन रेट टैबलेट का घट जाएगा। ये आपका क्या है, बाइंडर और ग्रैनुलेटिंग का बारे में हमने बताया आपको। चौथा हमने बात किया डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करने में आपको जो भी है, ऐसे एजेंट होते हैं जो कोहेसिव स्ट्रेंथ टैबलेट की कम कर देता है, डिसइंटीग्रेशन को कम करने के लिए, मतलब ये जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है इसको कम करने के लिए, ब्रेक डाउन जल्दी हो जाए इस चीज़ के लिए डिसइंटीग्रेंट यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपका डिसइंटीग्रेंट का अमाउंट कम होगा तो आपका बेबिलिटी भी कम हो जाएगी। डिसइंटीग्रेंट आप जितना कम यूज़ करेंगे अमाउंट उसका, उतना क्या होगा, बेबिलिटी का पैटर्न घट जाएगा हमारा। पांचवा हमारा है लुब्रिकेंट या एंटी फ्रिक्शनल एजेंट। तो लुब्रिकेंट या एंटी फ्रिक्शनल एजेंट मतलब क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स आपस में चिपक रहे हैं, अडहेयर हो रहे हैं डाई से जो चिपके जा रहे हैं, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये सब एजेंट यूज़ किए जाते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण को, पार्टिकल्स अडहेयर चिपके जा रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं डाई से, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम ये एजेंट यूज़ करते हैं। अगर क्या हो रहा है, आपका पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द टैबलेट, टैबलेट का जो पेनिट्रेशन है वाटर के अंदर वो कम कर देंगे, तो डिसइंटीग्रेंट और डिसोल्यूशन घट जाएगा। नेक्स्ट है छठा आपका कोटिंग। कोटिंग में हमने ये बताया कि जो एंट्रिक कोटेड होता है उसके सबसे ज़्यादा उसकी बढ़िया होती है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद शुगर कोटेड, फिर लास्ट में नॉन एंट्रिक फिल्म कोटेड। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, कोटिंग पैटर्न हमने बताया आपको। नेक्स्ट है सस्पेंडिंग एजेंट या विस्कोसिटी इम्पार्टनर। इसमें हमने ये बोला कि पॉपुलरली सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स होते हैं,
जैसे कि सीआर ट्रैगाकैरेंथ, ये सब क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट ही तो है। तो ये सब अगर हम यूज करें फॉर्मुलेशन में तो ये क्या करता है, पार्टिकल्स को पूरे में सस्पेंड कर देता है, फैला देता है, मतलब डिसोल्यूशन बढ़ा देगा। डिसोल्यूशन बढ़ा देगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और आपका एक अच्छा सा डिफ्यूजन काम करेगा। नेक्स्ट बता रहे हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट हम भाई बहुत सारे यूज करते हैं, वेटिंग एजेंट, सोलबलाइजर, इमल्सीफायर, ये सब यूज किए जाते हैं। तो ये सब करते क्या है, आपके सर्फेक्टेंट इन्हेंस करते, बढ़ाते हैं अब्जॉर्प्शन रेट पैटर्न को बढ़ाने के लिए सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हैं हम। वेटिंग को बढ़ा रहा है ना भाई, वेटिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा। तो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे उतना बढ़िया अब्जॉर्प्शन पैटर्न होगा। नेक्स्ट है बफर। बफर में अगर हम पोटेशियम बफर सबसे बढ़िया होता है, फिर अमोनियम बफर, लिथियम, सोडियम और ट्राइज, ये सब बफर पैटर्न। तो पोटेशियम बफर सबसे ज्यादा अच्छा अब्जॉर्प्शन पैटर्न देगा, फिर अमोनियम, फिर लिथियम। ये आपका पैटर्न हमने बताया कि सबसे अब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में ये या तो बढ़ा भी सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं बायबिलिटी, दोनों चीज कर सकता है। कभी कभी क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बढ़ा देंगे बायबिलिटी, हो सकता है कभी कभी ये घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है कलरेंट। कलरेंट हम जो कलर यूज करते हैं फॉर्मुलेशन में वो दो टाइप के होते हैं, केटायनिक डाइज होती हैं और एनायनिक डाइज होती हैं। दो टाइप की डाई यूज की जाती हैं कलर के लिए। अगर केटायनिक डाइज यूज करेंगे तो वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और एनायनिक डाइज क्या होती है, कम रिएक्टिव होती हैं। तो केटायनिक डाइज क्या होंगी, वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन पैटर्न देंगी हमारा। लास्ट है आपका प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या होते हैं, आपके फ्री ड्रग कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये चीज यूज की जाती है, प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए ये चीज यूज की जा रही है। तो प्रेसिपिटेशन जितना ज्यादा बढ़िया होगा उतना ज्यादा आपका अब्सॉर्प्शन पैटर्न अच्छा होगा। ये जितने पार्ट आपको बताए हमने पॉइंट्स, ये सब जितने हमने बताए ये क्या थे, एक्सीपिएंट वाले के अंदर थे, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्सीपिएंट के अंदर ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम तीसरा फैक्टर बात करेंगे, नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, कि डोजेस फॉर्म का नेचर क्या है और टाइप क्या है। तो सपोज टैबलेट, जिसे हम आपको फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं, टैबलेट थे, कैप्सूल है, पाउडर है, सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशन, ये सब हम आपको बता रहे हैं। इधर क्या बताया कि टैबलेट थी तो पहले वो टूटेगी, ग्रैन्यूल बनाएगी, कैप्सूल है तो घुल के ग्रैन्यूल बनाएगा, फिर क्या हुआ, फाइन पार्टिकल्स बने। पाउडर है तो सीनाफाइट, सीधा फाइन पार्टिकल है भाई। सस्पेंशन, सीधा फाइन पार्टिकल। इमल्शन, सीधा डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है भाई, सीधा ब्लड में पहुंच जाएगा। तो इधर से क्या हुआ कि टैबलेट का कप सबसे कम एब्जॉर्प्शन है और धीरे धीरे कैप्सूल का उससे ज़्यादा, पाउडर का उससे ज़्यादा, सस्पेंशन का उससे ज़्यादा, इमल्शन का उससे ज़्यादा, सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। तो अगर बायबिलिटी के ऑर्डर की बात की जाए तो सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा, उससे कम इमल्शन, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर टैबलेट, कोटिंग टैबलेट, एंट्रिक टैबलेट और सस्टेन रिलीज। इस अकॉर्डिंग हमने क्या बताया आपको, बायबिलिटी या एब्जॉर्प्शन पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। लास्ट हम आपको बताएंगे डी वाला कि प्रोडक्ट एज क्या, स्टोरेज कंडीशन क्या है। अगर बाई चांस प्रोडक्ट की एज ज़्यादा हो जा रही है, उसकी स्टोरेज कंडीशन हम अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन पैटर्न चेंज हो सकता है। क्या क्या चेंजेस आएंगे भाई हमारा, अगर हम नहीं अच्छे से रख पाएंगे तो कंडीशन पे क्या होगा, अगर बाई चांस उसको जितनी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या जो भी चीज़ें चाहिए थी हम नहीं रख पाए, तो हमारा ओवरऑल क्या होगा, बायबिलिटी अफेक्ट करेगी। ये सब चीज़ें क्या है, प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन। तो ये जितने पॉइंट्स थे ये सब हमारे क्या थे, फार्मास्यूटिकल फैक्टर। इनिशियली जो फैक्टर पढ़े थे दो टाइप के थे, एक आपके क्या थे, फार्मास्यूटिकल फैक्टर के अंदर जो थे दो फैक्टर्स थे हमारे, एक था फार्माकोकेमिकल यानी फिजियोकेमिकल, एक था डोजेस फॉर्म। तो फिजियोकेमिकल के अंदर बहुत सारे थे वो हमने पढ़ लिए, और डोजेस फॉर्म मतलब फार्माकोटेक्निकल के अंदर जितने थे अब हमने वो पढ़ लिए। अब फार्मास्यूटिकल खत्म हो गया, उसके बाद अब दूसरा हमने क्या देखा था, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स थे। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या है, एज। एज हमारी क्या है, तो अगर बाल लो हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, नवजात बच्चों की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, उनका गैस्ट्रिक पीएच ज्यादा होता है, ठीक। और क्या होता है, इंटेस्टाइन सरफेस भी ऑफ ब्लड का फ्लो है वो कम है भाई, इंटेस्टाइन का एरिया कम है, छोटी सी आंत होगी, ब्लड का फ्लो भी कम होगा, इस वजह से क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन पैटर्न हमसे अलग होगा। इन्फेंट में क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक पीएच बहुत ज़्यादा है, इंटेस्टाइन सरफेस, ब्लड फ्लो बहुत कम है, इस वजह से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न उनका हमसे अलग है।
दूसरा क्या है, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग की बात करें, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग का मतलब यही होता है कि जब कोई ड्रग है वो स्टमक कहाँ कहाँ जाती है भाई, आई ड्रग लिवर में पहुंची, फिर स्टमक में पहुंची, स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचती है, तो कितने उस पर मतलब स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचना क्या हो रहा है, ड्रग का स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचना, तो इसी चीज को आप गैस्ट्रिक इम्पिटी बोलो। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की बात कर रहे हैं, कब आपका स्टमक खाली हो रहा है उस चीज को आप गैस्ट्रिक इम्पिटिंग बोल रहे हो। तो जितना ज्यादा गैस्ट्रिक इम्पिटिंग होगा उतनी ज्यादा बायबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी जल्दी स्टमक से खाली होके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा उतनी जल्दी बायबिलिटी अच्छी होगी या उतनी जल्दी वो असर करेगी दवा। तो अगर आपसे कोई गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम पूछता है तो हमें ये बताना है कि ये ऐसा टाइम होता है जब आपका गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो खाली हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो टाइम जब आपका गैस्ट्रिक कंटेंट खाली हो जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम उतना कम आपका गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट, जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा उतना रेट कम हो जाएगा। ये आपका क्या था, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग के बारे में हमने बताया। अब तीसरा बात करेंगे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट मतलब कितने टाइम तक ड्रग आपकी इंटेस्टाइन में टिक रही है, कितने टाइम तक ड्रग आपकी इंटेस्टाइन मतलब आंत में टिक रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम ये जानते हैं सबसे मेजर एब्जॉर्प्शन ड्रग का कहाँ होता है, छोटी आंत, छोटी आंत में जो विलाई होता है वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो छोटी आंत और जो बड़ी आंत है वहां पे हम ये जानना चाह रहे हैं कितने टाइम तक ड्रग टिक रही है। अगर ज्यादा टाइम तक टिकेगी, ज्यादा ट्रांजिशन टाइम होगा तो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, अगर कम टिकेगी तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो आपको हम एक टेबल बता रहे हैं कि इंटेस्टाइनल रीजन था और कितना टाइम लग रहा है। तो डिओडेना में 5 मिनट लुकता है, जेजना में 2 घंटा, इलियम में 3 से 6 घंटा, कीसीएम में 0.5 से 1 आवर और कोलन में 6 से 12 घंटा, इतना इतना टाइम तक आपका जो ड्रग है इन इन जगहों पर टिकता है। ये हो गया आपका इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट के बाद अब नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच। जीआई का पीएच क्या है, तो जीआई का पीएच क्या होगा, जनरली इंक्रीज करता है अगर हम नीचे पहुंचते हैं। अगर आप क्या करें, स्टमक से कोलन या रेक्टम पहुंच रहे हैं तो जीआई का पीएच क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये नॉर्मल केस में हमने देखा है। नेक्स्ट है डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट मतलब आपको कोई बीमारी है तो अगर बीमारी में भी हम बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हेपेटिक डिजीज, इन तीन डिजीज का अगर आपके अंदर ये बीमारी फैल रहे से है तो आपका एब्जॉर्प्शन पैटर्न दवा का घट जाएगा। तो जीआई की कौन सी बीमारी, अगर जीआई मोटिलिटी घट गई या कोई इन्फेक्शन है जीआई में या कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी आपकी हुई है, कार्डियो में अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हेपेटिक में अगर हेपेटिक सीरियोसिस है, अगर ये सब बीमारी आपके पास ऑलरेडी है तो आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन पैटर्न घट जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो थ्रू जीआईटी। जीआईटी में आपका ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, तो ब्लड का जो भी फ्लो होता है वो जो भी जीआई में सप्लाई हो रही है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होती है या तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो ब्लड या तो लिम्फ, हमने पढ़ा है पहले भी। तो अगर ब्लड और लिम्फ की बात करें तो जो ब्लड होता है उससे आपका 500 से 1000 गुना ज्यादा अच्छा फ्लो होता है एज कम्पेयर टू लिम्फ। लिम्फ से जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या जो भी मूवमेंट हो रहा है ड्रग का वो कम होता है, ब्लड से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपकी ड्रग ब्लड से जा रही है तो ट्रांसपोर्ट आउट हो रही है तो उसका एब्जॉर्प्शन पैटर्न बहुत बढ़िया होगा। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है गैस्ट्रो फैक्टर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट, मतलब आपके पेट में ऑलरेडी कोई कंटेंट वंटेंट है उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि फूड ड्रग इंटरेक्शन हो गया, आपने कुछ खाना खाया और दवा आप ले रहे हो उस वजह से कुछ इंटरेक्शन हो गया तो हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन घट जाए। फ्लूड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका पहले से प्रेजेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ घट बढ़ जाए। अगर आपका ड्रग है वो नॉर्मल जीआई में चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं जैसे एंजाइम होते हैं, बाइल होता है, इन सबसे अगर वो रिएक्ट करके कुछ अलग ही बना ले इस वजह से भी हो सकता है एब्जॉर्प्शन घट जाए। या मान लो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, अगर ड्रग एक ड्रग है और ऑलरेडी एक ड्रग आप दे चुके हो उस ड्रग ड्रग का आपस में इंट्रैक्शन हो गया तो भी आपका एब्जॉर्प्शन घट सकता है। लास्ट हम बात करेंगे प्री सिस्टमिक मेटाबोलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। इसमें क्या बता रहे हैं कि जब ड्रग आपकी ब्लड में पहुंचती है उससे पहले क्या होता है कि आपकी
लिवर के द्वारा भी कुछ आपका एलिमिनेशन हो जाता है फर्स्ट टाइम थ्रू ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन, जैसा कि लिवर के थ्रू भी उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ब्लड में पहुंचने से पहले ही आपकी कुछ दवा जो हो रही है उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो कम हो जा रही है या लॉस हो जा रही है। तो अब भाई वो दवा जब लॉस हो जाएगी, ब्लड में पहुंची नहीं, पहले उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, तो इसे बोलते हो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, मतलब ब्लड में पहुंचने से पहले ही उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या ये हो रहा है फर्स्ट पास इफेक्ट, तो आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन पैटर्न घट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था जितना भी मैंने आपको आज बताया, ये सब फैक्टर्स थे जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप लिसनिंग।